वॉलेट है, फोन वगैरह आपको कुछ रखना है तो आपको यहाँ पे लॉकर की भी फैसिलिटी दी जाएगी, सो आप इसको अच्छे से रख सकते हो। बॉम्बे सेंट्रल में ट्रेन से उतरते हो तो आपको सीधा चल के यहाँ आना है, और जैसे बाहर आते हो आपको फर्स्ट फ्लोर पे अर्बन पॉड मिल जाएगा। हे गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। हाउ यू आर डूइंग? होप ऑल ऑफ अस आर डूइंग एक्सट्रीमली वेरी वेल। सो अभी एक यात्रा कंप्लीट करके हम लोग आ चुके हैं मुंबई सेंट्रल। जब ट्रेन से उतर रहे हो तो काफ़ी लोगों के इसमें समस्या होती है कि कहाँ स्टे किया जाए, कैब करके होटल जाना पड़ेगा। बट अगर आप मुंबई सेंट्रल आ रहे हो तो IRCTC ने काफ़ी अच्छी सुविधा रखी है। यहाँ पर है IRCTC का अर्बन पॉड। तो चलिए पॉड के अंदर जाते हैं। बुकिंग वगैरह हम लोग ने ऑनलाइन किया, उसके इंटीरियर्स कैसे, अंदर क्या फैसिलिटीज़ क्या है, प्राइसिंग क्या है, आपको सब बताता हूँ। सेंट्रल में ट्रेन से उतरते हो तो आपको सीधा चल के यहाँ आना है, और जैसे बाहर आते हो आपको फर्स्ट फ्लोर पे अर्बन पॉड मिल जाएगा। तो चलिए फर्स्ट फ्लोर पे ऊपर जाते हैं, अर्बन पॉड में चेक इन करते हैं, और अंदर की सुविधा बुकिंग अमाउंट सारा आपको दिखा होगा। आपको मुंबई सेंट्रल स्टेशन के फर्स्ट फ्लोर पर आपको लिफ्ट का और स्टेयर के इसका साधन मिल जाएगा। ये नीचे वाला हिस्सा, हम लोग अभी फर्स्ट फ्लोर पर आई है। यहाँ पर आपको वेटिंग हॉल भी मिल जाएगा, पर हम लोग ने अभी बुक किया है अर्बन पॉड। इसका इंटीरियर रिव्यू सब कुछ आपको दिया जाएगा इस व्लॉग में। अभी मुंबई सेंट्रल स्टेशन के फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग आ चुके हैं, जिससे हम लोग आए थे, और फर्स्ट फ्लोर पे आपको IRCTC का अर्बन पॉड मिलेगा। इंडिया फर्स्ट पॉड होटल है। तो चलो अंदर जाते हैं, इसकी इंटीरियर फैसिलिटीज आप सभी को आपको दिखाता हूं। जैसे फर्स्ट फ्लोर पे आपको पॉड मिल जाएगा, आते ही एम्बियंस आप देख सकते हो, काफी मस्त एकदम एम्बियंस अच्छा हो रहा है। रिसेप्शन एरिया वगैरह भी देखते हैं, यहाँ पे आपको लगेज और शूज ड्रॉप करना है। अंदर शूज अलाउड नहीं है, बैगेज वगैरह कोई अलाउड नहीं है, बट अंदर अच्छी खासी फैसिलिटीज है। अपना सामान सिक्योर रहेगा और शूज़ भी सिक्योर रहेगा। जैसे आप अंदर आते हो जैसे आपको ये कार्ड मिलता है, वैसे आप अंदर एंट्री करके शूज़ और लगेज रख सकते हो। ऊपर जाते हैं और आपको पॉड कैसा है, वॉशरूम एरिया वगैरह कैसा है, सब आपको बताएं। आप मुंबई सेंट्रल के पॉड में 6 आवर्स से लेकर 48 आवर्स तक रुक सकते हो। यहाँ पर पॉड्स के वैरायटी और उनकी प्राइस लिस्ट भी लगी हुई है। आपको ऐसे ही ओपन करना पड़ता है, और ये कॉरिडोर तो काफ़ी मस्त लग रहा है। यहाँ पे प्राइवेट पॉड होते हैं, और हम लोग के क्लासिक पॉड है। तो अभी हम लोग क्लासिक पॉड पे आ चुके हैं। सो इसको ऐसे कार्ड टैप करके आपको ओपन करना होगा, यहाँ पे ऐसा टाइप करना होता है, फिर ऐसा उगड़ कर खुल जाता है, और अंदर ऐसा आपको पॉड मिलेगा। तो चलिए इसके अंदर जाते हैं। सो गाइज, अभी हम लोग हमारे क्लासिक पॉड के अंदर आ चुके हैं। आपको मस्त यहाँ पे लाइट्स मिलता है, मिरर मिलता है, और बेसिकली आपको यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट भी मिलता है। आप 220 वोल्ट का सॉकेट लगेगा, फोन को चार्ज कर सकते हो। अगर USB केबल है तो आप USB केबल से भी चार्ज कर सकते हो। और ये पॉड फुल्ली एयर कंडीशन होता है, तो आप एयर कंट्रोल भी यहाँ पे एयर को डक को दबा के आपको यहाँ से एयर आ जाती है, जो आपको ठंडी हवा देती है। और एयरफोन की फैसिलिटी है, अगर आपको TV वगैरह देखना है, गाने वगैरह सुनने हैं, तो मस्त आप एयरफोन डाल के यहाँ पे चिल कर सकते हो। और यहाँ पे आपको स्क्रीन भी मिलेगा, ऐसा आप TV वगैरह देख सकते हो, या फिर टाटा स्काई वगैरह की फैसिलिटी इन्होंने दी हुई है। और वैसे तो मुझे पॉड काफ़ी कंफर्टेबल लगा, मतलब। और हाँ, अगर आपके पास कुछ वैल्यूएबल चीज़ें वगैरह, जैसे आपको बैग तो आपको नीचे ही रखना है, मतलब वॉलेट है, फ़ोन वगैरह, आपको कुछ रखना है तो आपको यहाँ पे लॉकर की भी फैसिलिटी दी जाएगी, सो आप इसको अच्छे से रख सकते हो। टाइम वगैरह सब आपको डिस्प्ले करेगा, ऐसा कार्ड मिलता आपको लगाना पड़ता है, और लाइट का भी आप ऐसा ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हो, जितना चाहिए उतना रख सकते हो, और ये लाइटिंग का भी अपने कम ज़्यादा ब्राइटनेस आप कर सकते हो। सो सारे जो लाइट्स आपको टच फैसिलिटी पे वर्क करते हैं, और इतनी स्पेशियस स्पेस है, मेरे जैसा हट्टा कट्टा आदमी यहाँ पे कंफर्टेबली सो सकता है। कुशन भी अच्छा है, बेडरूम्स भी नीट एंड क्लीन फ्रेश इन्होंने दिए हुए हैं। और सेफ्टी वाइज देखा जाए तो पॉड में, हर एक पॉड में आपको फायर एक्सटिंग्विशर सेफ्टी के अनुसार अगर कुछ इमरजेंसी हुई तो दिया हुआ है। और बाकी आपको कपड़े वगैरह भी टांगने तो वहाँ पे इन्होंने हुक वगैरह दिया, पर आप कपड़े वगैरह टांग सकते हो। और ऊपर आप, जैसे मैंने आपको कहा था, TV वगैरह देखना है तो टाटा स्काई लगा है। और अभी प्राइसिंग की बात की जाए तो नीचे आपको मैंने टैरिफ का तो बता दिया, बट मैंने ये 12 घंटे के लिए पॉड बुक किया था, रात 12 बजे से लेकर सुबह 12 बजे तक बुक किया, जिसका प्राइस मुझे लगा है 1000 रुपीज़, और टैक्स वगैरह मिला के ऑलमोस्ट 1200 रुपये लगे मुझे। मतलब 1200 रुपये में 12 घंटों के लिए आप इस पॉड में रुक सकते हो मुंबई जैसे शहर में। अगर आपको 12 घंटे के लिए होटल भी करना है ना, तो आपको ऐसे लग्जरियस होटल के लिए विद AC आराम से 3000-4000 देने पड़ेंगे, वहाँ पे कैब से जाना होगा।
और आप ट्रेन से आ रहे हो तो आपको ये कैब वगैरह सबका सिलसिला बचाना है, अगले दिन वापस ट्रेन को ही पकड़नी है, तो बेस्ट ऑप्शन है अर्बन पॉड पे रुको, सस्ते में आपको काम हो जाएगा। वॉशरूम भी आपको मैंने दिखाया, नीट एंड क्लीन थे, लग्जूरियस पॉड है, काफी मस्त लगता है। होटल में रुकने से अच्छा कभी कभी ये भी ट्राई किया करो, और ये इंडिया का फर्स्ट पॉड होटल है। सो ऐसा मेरा रिव्यू, तो इस फर्स्ट इंप्रेशन काफी अच्छा लगा। अभी रात तो बहुत हो चुकी है, इस पॉड में मस्त सोते हैं, और मेरे दोस्त है ना उन्होंने भी प्राइवेट पॉड बुक किया, तो उनका भी प्राइवेट पॉड वगैरह कैसा ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, खाली एक रूम के अंदर वो पॉड होता है, वो भी आपको दिखाएंगे और इस ब्लॉग को एंड करेंगे। सो अभी हम लोग क्लासिक पॉड से प्राइवेट पॉड में जाते हैं, जैसे क्लासिक पॉड है वैसे प्राइवेट पॉड अंदर से वैसे ही होते हैं, बट आपको एक पर्सनल रूम मिल जाते हैं जहाँ पे आप लगेज वगैरह रख सकते हो, पर आप क्लासिक पॉड में रुके हो तो आपको लगेज कॉमन लॉकर रूम में रखना पड़ता है, बाकी अंदर से तो सेम है। और ये काफी अच्छा लगा मुझे, मतलब थोड़ी सी प्राइवेसी यहाँ पे रहती है, आपको थोड़ा प्राइवेसी चाहिए तो प्राइवेट पॉड बुक कर सकते हो, और नहीं चाहिए थोड़े से पैसे बचाने बजट में रुकने तो क्लासिक पॉड बुक कर सकते हो, बाकी सारे फैसिलिटी तो सेम ही है। आपको वॉशरूम दिखा दो, वाओ नीट एंड क्लीन वॉशरूम, यहाँ पे आप शॉवर वगैरह ले सकते हो, वॉशरूम भी यहाँ पे और बेसिन की फैसिलिटी है, तो कॉमन पॉड होके ये कॉमन वॉशरूम है, बल्कि काफी नीट एंड क्लीन मुझे लगा, लाइक होटल से भी अच्छा वॉशरूम आपको ये पॉड में मिलता है, ऐसा कॉमन एरिया में मिलेगा। सो हम लोग सब दोस्त लोग साथ में रुके, तो सत्य भाई पे चिल कर रहे कॉमन एरिया में, बस बीन बैग पे बैठे हुए, और मल्लार और श्रेयांश भाई भी साथ है, मजा आ रहा है। श्रेयांश भाई तो फुल चिल बाजी एडिटिंग ब्लॉग, रात के 12 बज चुके, बट मजा आ रहा है पॉड में रुकना, हर तरह सब लोग दोस्त लोग साथ में थे, रहना तो अलग अलग है, बातें वगैरह करनी है तो आप यहाँ पे आ सकते हो। सो गाइस अ वेरी गुड मॉर्निंग, नींद तो काफी मस्त लगी इस पॉड में, सिटिंग तो कंफर्टेबल, बस एक ही बात की शिकायत थी कि एसी इतना कूल नहीं था, बस ये एक ही वेंट था जिससे एयर आ रही है, बस इतनी ज़्यादा कूलिंग वगैरह नहीं थी, बट इंटीरियर तो काफ़ी कमाल के थे, तो अभी मस्त यहाँ से फ्रेश अप होते हैं, 12 आवर्स के हम लोग ने बुक किया था और चेकआउट वगैरह भी करना है, बट काफ़ी मस्त लग रहा है यार ये समथिंग डिफरेंट। तो हम लोग अभी पॉड से चेकआउट कर रहे हैं, तो एक बार वापस पॉड दिखा रहा हूँ, हम लोग क्लासिक पॉड में रुके थे 6 आवर्स का, 799, 12 आवर्स का 999, 24 आवर्स और 48 आवर्स तक आप यहाँ पे रुक सकते हो। ये क्लासिक का पॉड है, लेडीज़ के लिए भी अलग स्पेशल पॉड्स यहाँ पे अवेलेबल है, प्राइवेट पॉड और डिफरेंट टेबल के लिए यहाँ पे पॉड है। सो काफ़ी मस्त लगा एम्बियंस वगैरह, सारे दोस्त लोग हमारे साथ थे, तो मल्लार कैसा लगा स्टे, आप तो यहाँ पे आते रहते हो? तो बहुत बार आता हूं, सोलो ट्रैवल करता हूं, तो मेरे लिए सबसे बेस्ट है, एसी भी अच्छा। रियांस को भी एडिटिंग के लिए मस्त डेस्क मिल गया रिसेप्शन पे, वाईफाई वगैरह भी यहाँ पे अवेलेबल है, सो काफी मस्त सबका एक्सपीरियंस है यहाँ पे। देखो अगर कोई सोलो आ रहा है ना, हाँ अगर सोलो, क्योंकि यहाँ पे सोलो अगर आप होटल में रुकोगे तो 3000 के नीचे आपको होटल नहीं मिलेगा। हाँ मतलब कैब वैब का भी किराया बच रहा है, डबल खर्चा होता है यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे रुको 1200 रुपये, और इनको वैसे भी पश्चिम पकड़ने तो तुरंत निकल सकते हैं। और साहब हम लोग चेकआउट करते हमारे साथ सत्य भी थे, उनका प्राइवेट पॉड था, तो प्राइवेट पॉड का एक्सपीरियंस कैसा था? प्राइवेट पॉड एक्चुअली मेरे को थोड़ा स्पेशियस लगा, और लगेज रख सकते हैं, एक बेनिफिट मिला, और मतलब ये चीज़ था कि हम सब लोग खड़े हो पा रहे थे, बात कर पा रहे थे, अगर सिंगल वाला पॉड मिलता है तो 2-3 लोग घुस नहीं सकते, वो कंफर्ट चला जाता है, बाकी इसलिए रिकमेंड करूँगा कि 200 रुपये ज़्यादा दो, पर प्राइवेट पॉड और एसी भी अच्छा चलता है वहाँ का, एसी अच्छा, मेरे पॉड में एसी तो एवरेज था, लेकिन अपर बर्थ मत लेना प्राइवेट पॉड, मेरे को नीचे वाला पॉड लेना, नीचे वाला ज़्यादा मजा आएगा, बाकी यहाँ पे रुको सिंगल आदमी हो तो ये वर्थ है, 3 से ऊपर लोग आ रहे हो तो ये जगह वर्थ नहीं है, फिर होटल जितने होटल से ज़्यादा ही पड़ जाता है, तो अब तब यहाँ मत रुकना, अगर 2 आदमी 1 आदमी हो तो वर्थ है, एकदम बेस्ट है, उससे ज़्यादा नहीं रुकना है, नहीं रुकना है। और जो स्टेशन बगल में आप ट्रेन से उतर के यहाँ पे आ सकते हो, अगली ट्रेन पकड़ने तुरंत जा भी सकते हो, ऑटो कैब का भी किराया बच जाता है। सो ऐसे ही मेरा एक शॉर्ट रिव्यू था अर्बन पॉड के ऊपर, इंडिया फर्स्ट पॉड ये था, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, नए हो तो सब्सक्राइब भी करो, दिस इज एसएफबी ब्लॉग साइनिंग ऑफ फ्रॉम मुंबई सेंट्रल।